हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दूजा। क्या बच्चों को शुगर देना अलाउड है? बच्चों को शुगर एग्जैक्टली कब से देना चाहिए? क्यों ये रूल कहा गया है कि नो सॉल्ट नो शुगर टिल एज 1? सो इस पर्टिकुलर वीडियो में लोग जानेंगे बच्चों को शुगर क्यों नहीं देना है, शुगर के लिए क्या क्या रिप्लेसमेंट्स अवेलेबल है, और शुगर एग्जैक्टली क्या हम बच्चे की बॉडी के अंदर कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है शुगर मतलब मीठा। अगर बच्चों को शुगर नहीं देना है मतलब बच्चों को कुछ भी मीठा चीज नहीं देना है, ये पूरी तरह से फॉल्स स्टेटमेंट है। शुगर मतलब यहां पे हम लोग बोल रहे हैं व्हाइट रिफाइंड शुगर, जो क्रिस्टल फॉर्म में हम लोग को मार्केट में मिलता है। गन्ने से शुगर बनता है और गन्ने से लेके व्हाइट रिफाइंड शुगर क्रिस्टल्स बनने के लिए बहुत सारा केमिकल प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होता है। आपको एक सीक्रेट बताओ, शुगर को अडल्ट लैंग्वेज में बोलते हैं शुगर, ये वो सफेद जहर है जो बच्चे के या बड़ों के बॉडी को अंदर से खोखला करते जाता है। ये बहुत हेवी लाइन हो गया इस वीडियो के लिए, बट रियालिटी रिमेन्स द सेम। शुगर से कितने सारे हमारे आसपास के बड़े लोगों को कंसर्न है, आप लोगों को पता है? और शुगर जिसकी बॉडी में ज्यादा घूमता है उसकी बॉडी में बाकी बहुत सारी चीजें ठीक से काम नहीं करती है, ये रियलिटी है। सो बच्चों की बॉडी में हम लोग को शुगर क्यों नहीं देना है? बिकॉज रिफाइंड व्हाइट शुगर अगर आप लोग बच्चों के लिए यूज करते हो तो वो बच्चों की बॉडी में हार्म करता है, फर्स्ट थिंग। तो फिर क्या हम लोग बच्चों को दूसरे टाइप ऑफ नेचुरल स्वीटनर या ब्राउन शुगर बच्चों को दे सकते हैं? आइडियली वी वुड से ब्राउन शुगर स्टिल कैन बी गिवन, बट ब्राउन शुगर भी बनाने के लिए सिर्फ पॉलिशिंग प्रोसेस कम होता है बट उसमें भी केमिकल प्रोसेसिंग होता है। सो आइडियली वी वुड से अगर बच्चों के लिए खाना लाइक पॉरेजेस, खीर आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो उसमें आप लोग नेचुरल स्वीटनर ऐड कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल स्वीटनर जो आप 6 महीने के बाद से ही बच्चों के खाने में यूज कर सकते हो इज फ्रेश फ्रूट्स। तो आप लोग एप्पल प्यूरी यूज कर सकते हो, पेयर प्यूरी यूज कर सकते हो, आप फ्रूट का कोई जूस यूज कर सकते हो। याद रखो लाइक एप्पल एंड पेयर जो फ्रूट है ये आप लोग बॉइल करके ले सकते हो, फिर उसका पेस्ट बना सकते हो और फिर वो एज अ स्वीटनर बच्चों के पैनकेक्स में, बच्चों के खीर में, बच्चों के पोरेजेस में डाल सकते हो। उसके साथ आप लोग बनाना, पपाया, चीकू ऐसे जो पल्पी फ्रूट्स है उसको फाइनली चॉप करके थोड़ा सा घी में सॉटे करके आप लोग बच्चों के खाने में डाल सकते हो एज अ स्वीटनर। नेक्स्ट स्वीटनर आया डेट्स पेस्ट। आप लोग ड्राई डेट्स का पाउडर एंड डेट्स पेस्ट भी ऑलमोस्ट 6-6.5 महीने के बाद बच्चों के खाने में ऐड कर सकते हो एज अ स्वीटनर। उसके बाद थर्ड वेरी गुड स्वीटनर इज हनी। हनी बच्चों के डाइट में बहुत अच्छा काम करता है, इट्स अ वेरी गुड नेचुरल स्वीटनर, बट हनी आपको बच्चों के डाइट में 1 साल के बाद अलाउड है। हनी से क्या होता है ये पर्टिकुलर वीडियो में यहाँ पे कनेक्ट करी, वो वीडियो आप लोग एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि हनी बॉडी में एक अलग टाइप का टॉक्सिसिटी या फूड पॉइजनिंग क्रिएट करता है जिसकी डिटेल्स आप लोग को वीडियो में मिल जाएंगे। इसीलिए बच्चों के खाने में हनी भी ऐड कर सकते हो बट 1 साल के बाद। सो व्हाइट रिफाइंड शुगर से एग्जैक्टली बच्चों की बॉडी में होगा क्या? फर्स्ट थिंग, बच्चों को यूजुअली मीठा हनी या शुगर बेस्ड ऑलरेडी मिल रहा है उनकी दवाइयों में से। सो बच्चे की दवाई ऑलरेडी मीठी होती है जितना उनका बॉडी एडजस्ट कर पाता है। उसके साथ ब्रेस्ट मिल्क अपने आप में थोड़ा सा स्वीट होता है, उसके साथ अगर आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो तो फॉर्मूला मिल्क भी अपने आप में थोड़ा स्वीट होता है। तो बस इतना ही स्वीट डाइजेस्ट करने की बच्चे की कैपेसिटी होती है। सो आर्टिफिशियल केमिकली फॉर्म स्वीट बच्चे को नहीं चाहिए, दैट्स फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, रिसर्च कहता है जिन बच्चों को शुगर मतलब व्हाइट रिफाइंड शुगर 1 साल के पहले खिलाया गया उन बच्चों को बड़ा होने के बाद डायबिटीज, ओबेसिटी और हाई वेट मतलब ओवरवेट साइड बच्चे ने जाना, ये बहुत कॉमनली देखा गया है। उसके साथ हाई शुगर जो बच्चे लेते हैं उन बच्चों की बॉडी में या ओरल एरिया में कैविटीज होना इट्स वेरी कॉमन।
बॉडी फंक्शनिंग में कहा जाता है जिनके बॉडी में शुगर ज्यादा है उन लोगों का इम्यूनिटी हमेशा कॉम्प्रोमाइज होता है, इसीलिए एक्सेस मीठा खाने वाले बच्चों में उनका इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज होता है। ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए आपको एक बेसिक चीज ध्यान में रखनी है, हार्ट का ख्याल रखना, बॉडी का ख्याल रखना, वेट का ख्याल रखना और हर बच्चे को अपने एडल्टहुड में एक हेल्दी बच्चा बनाने की जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर है। सो बच्चों के लिए हमारा बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है कि बच्चों की खाने में सफ़ेद जहर, जिसको एडल्ट लैंग्वेज में बोलते हैं, या सफ़ेद चीज़ें जैसे नमक, शक्कर और उसके साथ हनी, ये तीन चीज़ें बच्चों को एक साल तक बच्चों के खाने में नहीं देना है। एक साल के बाद आप लोग बच्चों के खाने में ये चीज़ें ऐड कर सकते हो। लास्टली, मैं रिसेंटली अपने हॉस्पिटल राउंड में फॉर्मूला मिल्क एक मम्मा बना के दे रही थी अपने बच्चे को और उसमें उन्होंने 2 पिंच वाइट रिफाइंड शुगर डाला ऐसे ही हाथ से, और मैंने बोला एक्सक्यूज मी आप लोग ये क्या कर रहे हो, बंद करो। नहीं नहीं, वो माँ का दूध मीठा होता है ना, इसलिए हम लोग फॉर्मूला बिल्कुल मीठा करके बच्चे को खिलाते तो बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो जाएगा। दैट्स वन ऑफ द वर्स्ट थिंग, लोग बच्चे को शक्कर का पानी पिलाते हैं और वो भी कभी पता है गर्मी के दिनों में बच्चे को प्यास लगती है तो शक्कर और सौंफ का पानी पिलाएंगे तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। नॉट एट ऑल, शक्कर किसी भी फॉर्म में बच्चे के फर्स्ट बर्थडे तक ऐड नहीं होना चाहिए। सो जितने भी हम लोग एक्सक्यूजेस देंगे फिर भी दे आर नॉट एक्सेप्टेड, सो दैट्स नॉट अलाउड। इसलिए बच्चों के खाने में शुगर ऐड नहीं करना है। उसके लिए क्या क्या सब्स्टिट्यूट्स हम लोग बात कर चुके हैं। जब हम लोग शुगर की बात करते हैं तो आप लोगों को आर्टिफिशियली स्वीट चीजों का भी यहाँ पे ध्यान रखना है। कोई भी बेबी फूड जो आर्टिफिशियली स्वीटेंड है, जैसे रेडी नाचनी सत्व, रेडी सेरलैक, रेडी बेबी फूड, इन सब चीजों को आपको इंग्रेडिएंट्स पढ़ना बहुत जरूरी है कि क्या उसमें शुगर एडेड है। बहुत सारे रेडीमेड गुट्टी या बच्चों के लिए आयुर्वेदिक मिक्सचर मिलते हैं। पहली बात, गुट्टी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए उसका वीडियो मैं यहाँ पे लिंक कर रही हूँ, वो वीडियो एक बार देख लेना। बट बहुत सारे इंडियन कल्चर्स में कहा जाता है कि आपको बच्चे को गुट्टी शहद में या शक्कर के पानी में मिक्स करके बच्चे को खिलाना चाहिए, तो नहीं देना है। आइडियली गुट्टी 6 महीने के पहले देना ही नहीं है और 6 महीने बाद भी उसमें कुछ भी शक्कर या हनी बिना ऐड किए बच्चे को देना है। बच्चे को स्वीट थिंग्स विच आर रेडी फ्रॉम आउटसाइड लाइक बिस्किट्स, ग्लूकोन डी बिस्किट्स, ग्लूकोज बिस्किट्स, बिस्किट्स विथ प्लेन मिल्क, मिल्क बच्चों को मिल्क देना है, नहीं देना है। बच्चों को एनिमल मिल्क भी 1 साल तक नहीं देना है। क्यों नहीं देना है उसका वीडियो मैं यहाँ पर लिंक कर रही हूँ, वो एक बार देख लेना। सो बच्चों को बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, रेडी पैकेज स्वीटन फूड, चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज, केक्स जो बाहर से बन के आता है और जिसमें ये सारे आर्टिफिशियल शुगर फ्लेवर्स ऐड होते हैं, वो भी हम लोग को बच्चों को नहीं देना है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें याद रखो बच्चे के डाइट, हेल्थ और न्यूट्रिशन को लेके, एंड एंजॉय योर जर्नी जब भी आप बच्चे को सॉलिड खाना दे रहे हो। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छे लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना, लाइक और कमेंट करना मत भूलना, एंड ऑल द पेरेंट्स आउट ऑफ देयर, एक बहुत सिंपल चीज़, नेशनली एंड इंटरनेशनली जो भी रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ है, स्पेशली जो इंडियन कल्चर या एशियन ओरिजिन के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो माया द्विजा आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लेके आता है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना और अपने सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना जो कन्फ्यूज़ है शुगर क्यों नहीं देना है बच्चे को। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव ग्रेट टाइम एंड बाय।